नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय कार डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस परियोजना की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, उन्होंने भारत को भी न्योता दे डाला है कि वो इसमें शामिल होकर लाभ उठाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जहां CPEC प्रोजेक्ट का जश्न मना रहा है, वहीं इस कंगाल देश में 25 अरब डॉलर तक उड़ा देने वाले चीन का दिवाला निकल गया है। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान की सरकार CPEC प्रोजेक्ट का पैसा नहीं दे पा रही है, वहीं बलूच विद्रोही चीनी नागरिकों पर खूनी हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमलों और लोन रिपेमेंट पर चीन और पाकिस्तान में मतभेद बढ़ गया है और इस वजह से CPEC परियोजना अधर में लटक गई है। रिपोर्ट में अधिकारियों और आलोचकों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। चीन और पाकिस्तान के बीच 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। चीन ने इस दुनिया के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए 25 अरब डॉलर तक का अब तक का निवेश कर डाला है। चीन का इरादा पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर तक घुसने का था। अब ये निवेश उसके लिए गले की फांस बन गया है। चीन ने इस भारी भरकम निवेश के जरिए पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम ग्वादर पोर्ट तक रास्ता बनाया और बिजली व्यवस्था को बेहतर किया। चीन का इरादा ग्वादर को नेवल बेस के रूप में विकसित करने का है। अधिकारियों का कहना है कि चीन के निवेश से 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे देश में बिजली संकट खत्म हुआ। चीन का इरादा साल 2030 तक 62 अरब डॉलर के निवेश का है। चीन कई औद्योगिक जोन बना रहा है जो साल 2030 तक पूरे हो जाएंगे। चीनी दूतावास की प्रभारी पांग चुनशू कहती हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है कि CPEC BRI के सबसे असफल प्रोजेक्ट्स में से एक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मिलकर हम काम करते रहेंगे। चीन भले ही सार्वजनिक रूप से इसकी सफलता का दावा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी खास रुचि की वजह से वो आतंकियों के निशाने पर आ गया है। इसी वजह से चीन को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद लेनी पड़ी है। आलोचकों का कहना है कि ये वजह है कि 10 साल पूरे होने के बाद चीन का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। आलोचकों ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन के बीच सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर बढ़ रहे विवाद को दर्शाता है। इससे पहले चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने पिछले महीने ही कहा था, चीन आशा करता है कि पाकिस्तान पूरी ताकत से और प्रभावी तरीके से विभिन्न आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, साथ ही चीनी कंपनियों और नागरिकों की पाकिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ से बातचीत में चीनी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तानी सांसद और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन कहते हैं, चीनी मानते हैं कि CPEC को आगे बढ़ाने में सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ी बाधा बन गया है। उन्होंने कहा कि चीनी नेताओं ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने में फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इसे प्रभावी तरीके से नहीं निपटा गया तो पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग और चीन के निवेश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इन हमलों में अब तक कई चीनी नागरिक मारे गए हैं। यही नहीं, चीन के दूतावास पर भी हमले का खतरा है। दूतावास के कर्मचारी इस्लामाबाद में ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। चीन के कर्जों का इतना ज्यादा बोझ हो गया है कि पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है और IMF से कर्ज लेना पड़ा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही इस खबर पर आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।